आए जनाब बाबू लाल साहब एक दो मिनट में अपना संदेश, मेंबर बाबू लाल साहब बस एक दो मिनट में, फिर उसके बाद मौलाना दिलशाद साहब मलिका डांगा से सुन्नी आलम दीन, फिर उसके बाद हमारे ललित सिंह प्रधान साहब। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ स्टेज पे आए हुए हमारे उलामाए हजरात और किशनगंज से आए हुए मंदिर के रामदेव बाबा मंदिर के जो मेहमान लोग हैं और सामने बैठे हुए जितने भी हमारे अंचल से और बाहर से आए हुए मेहमान हैं, सबों को मेरा सलाम नमस्कार। भाइयों, आज हमें मालूम है और दूसरी पहली बात यह है कि जो आल अंसार ट्रस्ट के जो मेम्बरान हैं उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज एक प्रोग्राम इन्होंने पेश किया, पयामे इंसानियत। पयामे इंसानियत का मतलब हमें सभी को मालूम होना चाहिए, यानी कि तो कुल मिलाकर इंसानियत। पयामे इंसानियत की इंसान इंसान को समझे, एक इंसान दूसरे इंसान का हिफाजत करे, एक दूसरे से नफरत ना करे। हमें मालूम है जिसके अंदर है ईमान वही है मुसलमान, जिसके अंदर ईमान नहीं हो कभी मुसलमान नहीं। दोस्तों, मुसलमान एक बहुत बढ़िया पवित्र धर्म है, सबका धर्म अपना अपना है, लेकिन कुछ कर्म होता है जो हर व्यक्ति को, हर जाति, हर लोगों को करना पड़ता है। जैसे एक दूसरे का इबादत करना, एक दूसरे का मदद करना, जो पहले हमारे हजरात लोगों ने, उलमाओं ने सभी को बता चुके हैं, हमको उस पर सिर्फ अमल करना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें सारे भाई भाई। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है जो हम लोग मुसलमान एक नहीं नहीं रहना है। हमें ये जब से पैदा हुए इंसान में, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान लेकर पैदा नहीं हुआ इंसान, पयामे इंसानियत की एक हर इंसान एक दूसरे का मतलब रखे, एक दूसरे का मजबूरी को समझे, यही है पयामे इंसानियत। दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है जो यहाँ हिंदू मुस्लिम हम लोग सभी एकत्रित होकर इस इंसानियत की जो जो बातें हैं वो सुन रहे हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग यहाँ से जाकर हर व्यक्ति एक दूसरे का काम में आए, हमेशा अपने ध्यान में रखे, जो किसी गरीब का, किसी अमीर गरीब कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों, एक दूसरे को इबादत करना और मदद करना यही सबसे बड़ा इंसानियत है, इसी का नाम है पयामे इंसानियत। दोस्तों, बातें बहुत है लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं और किशनगंज से हमारे बड़े मेहमान लोग आए हुए हैं, आपके सामने कुछ बातें रखेंगे, आप लोग जरूर सुनिएगा। खुदा हाफिज। जनाब ललित सिंह साहब प्रधान गेस्ट तो तशरीफ लाए, मौलाना दिलशाद साहब आप भी तैयार रहे। एक